मुजफ्फरनगर लॉकडाउन में पुलिस पर पथराव, लोगों की भीड़ को समझाने के दौरान पुलिस पर हमला, सब इंस्पेक्टर लेखराज सिंह समेत एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल, भीड़ ने पुलिस कर्मियों को लाठी डंडों से पीटा, गंभीर हालत में जिला अस्पताल दोनों पुलिसकर्मी रेफर किए गए। घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स के साथ एसपी नेपाल सिंह भी मौजूद थे। घायल पुलिसकर्मियों से मिलने पहुंचे अस्पताल एसएसपी अभिषेक यादव। पुलिस पर हमला हुआ, देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन को एनफोर्समेंट करा रही है पुलिस, तो उसमें ही हमारे मोरना जो कि थाना भोपा में आता है, मोरना चौकी इंचार्ज और उनके साथ दो कांस्टेबल्स थे। मोरना गांव में पूर्व प्रधान है नारा सिंह, उसके घर पे काफ़ी भीड़ थी, तो उनको समझाया जा रहा था कि भाई लॉकडाउन है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, दूरियाँ बना के रखें। उसी बीच में इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल्स घायल हुए हैं, और उसमें क्या कहते हैं 10-15 लोग थे और उसके अलावा भी अन्य लोग थे इसमें, तो उसमें से नाहर सिंह और जो उसके लड़के हैं उनकी दो पत्नियां थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब लोग हमले में शामिल थे। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, बाकी लोगों के लिए भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। हालत कैसी है सर, गंभीर जो है? सब इंस्पेक्टर है हमारे वो क्रिटिकल है, उसके अलावा दो कांस्टेबल्स हैं उनको भी चोटें आई हैं बट वो ठीक है, सब इंस्पेक्टर को मेरठ रेफर किया गया है। कितने गिरफ्तारी हुई है सर इसमें? इसमें अभी तक 3 गिरफ्तारी हुई है, जो पूर्व प्रधान जिसका वो घर था वो गिरफ्तार हुआ है, उसके लड़कों की जो पत्नियां थी जो महिलाएं इसमें शामिल थी 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, टोटल 3 गिरफ्तारी हुई हैं, बाकी हमारी टीम अभी लगी हुई है गिरफ्तारी। क्या कारण जो ऐसा हुआ? देखिए वो सारी चीजें अभी चेक की जा रही है, चेक करके आपको बताएंगे। थैंक यू सर। भोपा थाना क्षेत्र के मोरना करहेड़ा मार्ग का है ये मामला। मुजफ्फरनगर से नागदत्त शर्मा की रिपोर्ट।